बीम में हम लोग जो है एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देते हैं, उसको देने का तरीका क्या है, पूरा कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा लाइव वीडियो। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये हो गया आपका छत का बीम, जिसमें क्या है कि मेन बार तो हम लोग चार पीस देते ही हैं, दो पीस ऊपर दो पीस नीचे, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है, बीच के दो थोड़े रेनफोर्समेंट दिख रहा होगा, फिर बीच में नहीं है, फिर वहाँ पे है, फिर ये बॉटम में देखेंगे तो बॉटम में क्या है भाई, बस सेंटर में है यहाँ से लेकर के वहाँ तक, लेकिन जो है यहाँ पे इधर नहीं है। तो अब इसका कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे देना है, इसमें थोड़ा सा भी चूक नहीं होगा, हम जो आज आपको फार्मूला बताएंगे। नहीं तो बहुत लोग जो है एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट बॉटम वाला कॉलम तक लेकर चला जाता है, और बहुत लोग जो है टॉप रेनफोर्समेंट जो है आगे तक लेकर चला जाता है, जो कि ज़रूरत नहीं है, बेवजह जो एक्स्ट्रा सरिया वेस्टेज हो जाता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला है जो कि आप लोगों ने ज़रूर जो है मतलब देखे होंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई कि ये इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा, पहले क्या होता था इसके जगह पे हम लोग क्रैंक देते थे, मतलब एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट को जैसे वहाँ तक आया टॉप, फिर एल बाई फोर में क्रैंक कर दिया बॉटम हो गया, फिर आगे जा करके टॉप हो जाता था। वो कौन सा पैटर्न भाई, ये वही पैटर्न है जो हम लोग ज़्यादातर छत का सरिया में देते हैं, जैसे यहाँ से आया टॉप है, यहाँ क्रैंक हो गया, फिर नीचे हो चला गया, तो इस तरीके से मतलब कि क्रैंक सरिया को लेकर के जाए, पहले क्रैंक छत में देना इजी है, लेकिन अभी इसका भी जो है अब अल्टरनेट ऑप्शन आ गया कर्टल बार, तो वही पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है कर्टल बार को लेकर के जो, कर्टल बार क्या है तो अब हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो पूरा बारीकी से समझिएगा क्या है ये फंडा, कि भाई कैसे जो है हम मेज़र करें, कैसे कटिंग लेंथ निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम वीडियो को यहाँ तक लेके जाते हैं और थोड़ा जूम आउट जूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा हम आपको सब कुछ बताएंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 7 फीट, देखिए 7 फीट लिखा हुआ, हम मेज़र किए 7 फीट हो गया, तो 7 फीट लिखा हुआ। अब क्या है कि जो चार सरिया हमें देना था मेन बार, पहले हम वहाँ पर लेकर चलेंगे आपको, चार सरिया तो देंगे ही देंगे, चार सरिया में दो सरिया बॉटम में, दो सरिया टॉप में, और इसमें जो है फेस बार भी दिया गया है, फेस बार पे डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो दो सरिया फेस बार क्यों दिया, क्योंकि इसका बीम का डेप्थ ज़्यादा है, इसलिए फेस बार भी दिया, फेस बार हो गया मतलब पेट में, जो आम भाषा में जो है पेट में सरिया, मतलब एक पेटी सरिया जिसको बोलते हैं, पता नहीं लोग क्या बोलते हैं मिस्त्री लोग, लेकिन हम इसको फेस बार देते हैं टेक्निकल भाषा में, ठीक है। चार सरिया, एक चारों कोना में, एक दो तीन चार, चारों कोना में जो है चार सरिया दिया हुआ, और सबका जो एल मतलब डेवलपमेंट लाइन एल दिया हुआ, उधर भी है देख लीजिए आप, उधर भी है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा सरिया को लेकर के, एक्स्ट्रा सरिया कैसे दे रहे हैं। एक्स्ट्रा में क्या फंडा है ज़रा समझिएगा, कि हम यहाँ से बैठ के बनाएंगे ना तो आप क्लियर हो जाइएगा। एक्स्ट्रा का फंडा ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्स्ट्रा का सरिया जो है यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक आया है, तो ये क्या है आपका टॉप का एक्स्ट्रा। तो पहले इसी को हम लोग क्या करते थे, ऐसे आते थे एल वाई फोर में क्रैंक कर देते थे, फिर नीचे आता था, फिर जो है उधर जा कर के टॉप हो जाता था, लेकिन यहाँ उस तरीके से नहीं है। एक्स्ट्रा सरिया जो है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, जो कि लेंथ कितना मेरा 7 फीट, फिर से लेंथ 7 फीट है, तो यहाँ से सरिया यहाँ तक जाएगा, इसको बोलेंगे लेंथ का बाई फोर, एल बाई फोर, तो 7 फीट बाय अगर हम 4 करेंगे कितना आ जाएगा मेरा 1.75 फीट यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसको 1 फीट 9 इंची, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है एक्स्ट्रा सरिया दो गो जो ऊपर में देंगे 12 mm का सरिया, वो आपका 1 फीट 9 इंची रहेगा, यहाँ से मेजरमेंट कर लीजिएगा 1 फीट। अब ये 1 फीट 9 इंची क्या भाई, ये क्या जहाँ से सरिया शुरू हो रहा है वहाँ से कटिंग करना, नहीं यहाँ से शुरू हो रहा है, ये फेस की बात कर रहा हूँ, फेस से फेस मेजर होता है, और यहाँ से इधर जो है डेवलपमेंट लेंथ रहता है मतलब एक्स्ट्रा हो गया, तो
एक फिट नौ इंची एक्स्ट्रा, ये हो गया प्लस 7 इंची जो है यहाँ पे जाएगा कॉलम में जाएगा, प्लस जो है 4 इंची नीचे एल होगा 4 से 5 इंची। तो उतना मेजर करके कटिंग लेंथ एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट काटना है। सेम इसी तरीके से जो है इस साइड का हम लिए, अब जो है लेफ्ट साइड हो गया, अब बीम का राइट साइड में चलेंगे। लेफ्ट साइड का L/4 लिया एक्स्ट्रा, राइट साइड में भी सेम फार्मूला L/4 जो कि आपका जो है 4 पॉइंट यहाँ पे देख रहे होंगे 7/4 करेंगे 1.75 फिट आ जाएगा आपका सेम जैसा इधर है। मैंने मार्किंग कर दिया है, देखिए यहाँ भी वाइट मार्किंग दिख रहा होगा, यहाँ भी वाइट मार्किंग, मतलब 1 फिट 9 इंची इस फेस से यहाँ तक जाएगा, इस फेस से इधर, और जितना उधर आपका बीम का साइज रहेगा प्लस एल जो रहेगा। तो ये हो गया टॉप का एक्स्ट्रा देने का तरीका। अब बात करते हैं बॉटम को लेकर के। बॉटम में देखिए कि भाई कि ये तो यहाँ एक्स्ट्रा जो है यहीं तक आ जा रहा है, लेकिन बॉटम का सरिया यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है, इसका जो अंदर तक जा रहा है, इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला है L/6। L/6 तो L/6 का फार्मूला क्या कहता है? तो L/6 होता है दोस्तों, तो L/6 करें मतलब 7/6 कर देंगे, 7/6 करेंगे तो 1.66 फिट आया। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि 1.66 फिट इधर माइनस करेंगे, जैसे कि आप देख रहे डिस्टेंस उतना ही है 1 फिट के आसपास, 1.66 इधर माइनस करेंगे इस फेस में, लेफ्ट और राइट दोनों माइनस किए, फिर जो बचा मेरा मतलब ये कि अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.66 इंटू 2 कर देंगे, दोनों साइड से माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 2.332 फिट। क्लियर है यहाँ पे? अब क्या करेंगे, जो 7 फिट जो मेरा स्पेन है उससे माइनस कर देंगे, 7/2.33 दोनों साइड का माइनस, जो बीच में बचा 4.668 मतलब 4 फिट 8 इंची का हम यहाँ पे जो कटिंग लेंथ करेंगे। हुआ क्लियर? अगर आप इसको बॉटम का जो मेजरमेंट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 4 फिट 8 इंची रहेगा आपका, ये है दोस्तों। तो उसी तरीके से हर जगह पैटर्न ही काम करेगा, हम आपको फिर वहाँ ले चलेंगे लेकिन कुछ और भी आपको समझा देते हैं। जैसे जो भी यहाँ पे अगर आप बीम लेंगे, चाहे जो भी छत का बीम लेंगे आप, अगर मान लिया जाए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 12 फीट का डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस होगा ज़रा मेजर कीजिएगा। तो 12/4 करेंगे 3 फीट, तो यहाँ से इस कॉलम से यहाँ तक जो है लेंथ लेफ्ट का 3 फीट इधर रहा, राइट में भी 3 फीट इधर रहा, और बॉटम में जो है 12/6 कर दीजिए। ठीक है, कितना आया? तो 2-2 फीट, 2 फीट माइनस इधर होगा, 2 फीट माइनस उधर होगा, तो बीच में कितना बचा? 8 फीट का। तो 8 फीट का जो है कॉलम का सरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक बॉटम का रेनफोर्समेंट रहेगा, ये मैंने एग्जांपल दे के बताया। और जो यहाँ पे जो मैंने रिटेन में दिखाया एक एग्जांपल लेकर के कि हर बीम का पैटर्न निकालने का यही तरीका है, जहाँ से बीम शुरू होता है जहाँ ख़त्म होता है, हाँ जो कंटिन्यू है, जैसे कि आप यहाँ तक कंटिन्यू है, तो इसका मेज़र यहीं से होगा, इसका इधर, इसका इस, फिर जितना डिस्टेंस हो थिकनेस होगा बीम का वो, फिर इसका इधर। जैसे ये छोटा बीम है तो इसका जो देखिए यहाँ पे 1 फिट समथिंग ही आ रहा है, ये लगभग हमको लगता है 5 फिट समथिंग कुछ होगा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो उसके वजह से यहाँ पर कम ही कम है। तो ये तरीका है, तो इस यहाँ से इधर देखिए ज़्यादा क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ से इधर कम है इसका एक्स्ट्रा क्योंकि इसका इस बीम का डिस्टेंस ज़्यादा कम है। तो वही एक तरीका है। तो हर बीम का अपना अपना जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट लेकर चलना है, चाहे वो बॉटम में हो सॉरी टॉप में हो चाहे बॉटम में। ये पैटर्न क्लियर हुआ आपका? तो ये तरीका रिटेन के साथ कि भाई एक्स्ट्रा सरिया कैसे देना है वो मैंने बता दिया। दो ही फार्मूला याद रखिएगा, L/4 लेंथ का जो स्पेन है, और एक L/6 दोनों साइड माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो बचेगा वो बीच में, मतलब एक तरह से ऑन एंड अगर देखेंगे ना एक थंब रूल के हिसाब से, जितना L/4 आया इधर से इधर उसका जो है ये 1 फिट अंदर घुसा दीजिए, इधर 1 फिट अंदर घुसा दीजिए, ऐसे थंब रूल के हिसाब से, ये उतना सही भी नहीं है लेकिन 1 फिट अंदर घुसा देंगे तो आपका बॉटम का एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट का मेजरमेंट निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा चीज़ आपको जानकारी मिला होगा।
मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।